युद्ध में। क्या टैंक में बैठे इंसान को दिखता होगा उस मकान का कोने वाला कमरा? आने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल चिपके थे जिसकी दीवारों पर, या फिर किचन से लगा हुआ छोटा कमरा गुलाबी रंग का, जिसमें सलीके से चुपचाप बैठी थी रेशम की कई गुड़ियां। कम से कम पश्चिम वाली खिड़की से स्कूल बैग के बगल में रखा चटकीला लंच बॉक्स तो दिखा ही होगा, कुछ तो दिखा होगा जरूर। पुल पर कुचल गई वो गिलहरी का बच्चा, या सहमी सड़कों के किनारे वाले पार्क के वो ट्यूलिप, और ये उदास लटके हुए झूले, पार्क के बीचों बीच लगी हुई डरे हुए देवता की एक प्रतिमा, या कुछ भी नहीं दिखता वहां भीतर से। टैंक के भीतर बिल्कुल खूब अंधेरा होता है और अंधेरे में बैठा इंसान अंधा होता है, या डरा होता है बाहर की तेज रोशनी से, भरा होता है किसी अनबूझ बेचैनी से। बमों की तेज रोशनी और टैंक के भीतर के अंधेरे का फर्क बिल्कुल बारीक होता है। कोई भी हो, कहीं भी हो, युद्ध में सब शरीक होते हैं। सरकारें दलाल होती हैं हथियारों के बाजार में, संस्थाएं भोजन व दवाइयां भेजती हैं शिष्टाचार में, नक्शे के हाशिए पर खड़ी औरतें भी कुछ भेजती हैं युद्ध में। वो भेजती हैं अपने प्रेमी को, पति को, बच्चे को, और फिर एक दिन युद्ध खत्म होता है। सरकारें अपने बचे हथियार वापस समेटती हैं, संस्थाएं अपना बचा रसद और दवाइयां, और वो हाशिए वाली औरतें आकर तलाशती हैं अपनी अपनी कब्रों को। कोई एक ऐसा कब्र मिलता नहीं जो साफ तौर पर उसी का, और ना ही मिलता है उस पार्क में खिला हुआ कोई ट्यूलिप। फिर कुछ सूखी अधजली पत्तियां ही भेंट कराती हैं चुनकर किसी एक कब्र पर, अपना मालिकाना हक मानकर।